वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्किल बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी मददगार होंगी, काफी मदद मिलेगी आपको। स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन या क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं आपका, कि नर्स के द्वारा प्रायोरिटी एक्शंस क्या होंगी, तो ये सारे क्वेश्चन जो होता है ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी क्वेश्चन जितना भी 10 क्वेश्चन इसमें लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप देखना, देन आप उसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर कीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट करना ना भूले। यहाँ पे देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, यहाँ वाइल कलेक्टिंग हिस्ट्री फॉर फ्रॉम योर क्लाइंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्या है? वाइल कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम योर क्लाइंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जब पेशेंट का हिस्ट्री लिया गया, जब एडमिट किया गया, तो किसमें? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। विच अमंग द फॉलोइंग रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट इज कंसिडर एज सब्जेक्टिव डाटा, इज कंसिडर एज सब्जेक्टिव डाटा। यहाँ पे देखा जाए, आपातकालीन विभाग में भर्ती क्लाइंट से इतिहास एकत्र करते समय, देखिएगा, इतिहास एकत्र करते समय, हिस्ट्री लेते समय, क्लाइंट के द्वारा रिपोर्ट की गई, जो रिपोर्ट किया गया पेशेंट के द्वारा, उनमें से सब्जेक्टिव डाटा किसको माना जाएगा? चार ऑप्शन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दो होते हैं। इसमें सब्जेक्टिव डाटा के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपका। ऑप्शन सी ए में है वीकनेस, बी में है आपके पास हिप्टेरस, सी में है हिमोप्टाइसिस, एंड डी में है मेलेना। चार ऑप्शन दिया गया डियर, आप किसे फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव डाटा है? राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका, ऑप्शन सी ये होगा, वीकनेस। ये वीकनेस या फिर टायर्डनेस रहता है तो राइट आंसर होता है इसमें, वीकनेस ही आएगा सब्जेक्टिव डाटा में। सब्जेक्टिव का डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा जब भी क्वेश्चन में आएगा आपका, तो वो क्या होता है, जो कि डाटा हम कलेक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं किसके द्वारा? पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ द पेशेंट के साथ, पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट होकर जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपका सब्जेक्टिव डाटा में आएगा डियर। लेकिन जस्ट अपोजिट ऑब्जेक्टिव डाटा में आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा में आपको कैसे पता चलेगा, उसमें ऑब्जर्व करते हैं आप, ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसमें क्या करते हैं, मेजरेबल करते हैं उसको, मेजर उसके साइन को देखते हैं, और उसमें किसके थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर लेबोरेटरी फाइंडिंग के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है और कितना तक पहुंचा है रिपोर्ट में। तो ये चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आएगी। सब्जेक्टिव में आपका ये हुआ कि जो क्लाइंट के द्वारा आपको रिपोर्ट मिला, इंटरेक्शन के द्वारा, साथ में बातचीत करने के बाद, वो चीजें आपके सब्जेक्टिव में आया। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब तक फाइंड आउट नहीं किया जाएगा, तब तक आपको कन्फर्म नहीं पता चलेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ये हुआ, वीकनेस। अब यहाँ बी में आपका एक टेरस है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, एक्सेसिव बाइल पिगमेंटेशन हो जाता है, बाइल पिगमेंट इन द ब्लड में, हमारे ब्लड में क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है और इसमें जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेमोटाइसिस में क्या होता है आपका, कि कपिंग ऑफ ब्लड, कपिंग जो आता है, कफ में क्या होता है, ब्लड आने लगता है, ये आपका हेमोटाइसिस कहलाता है। फ्रॉम कहाँ से, रेस्पायरेटरी ट्रैक से, रेस्पायरेटरी से, और इसमें किसको किसको इन्फेक्शन कर देता है आपका, आपका लंग्स तक भी ये पहुंच जाता है इन्फेक्शन होकर। तो ये आपका रेस्पायरेटरी से हुआ, फ्रॉम रेस्पायरेटरी, देन आपका मेलेना, मेलेना में आपका क्या है कि इसमें ब्लैक स्टूल होते हैं, ब्लैक स्टूल होते हैं। तो इसमें देखिए डियर, चार ऑप्शन दिया गया, चारों को यहाँ बताया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो राइट आंसर आपको करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाले हेमोटाइसिस में मैंने बताया, और इसमें सीवियर इन्फेक्शन होता है डियर, ऑफ दी कहाँ से, ब्रोंची और लंग्स, ब्रोंची और लंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, जो कि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ एग्जाम में, कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। हो सकता है आपको इक्टेरस के बारे में भी पूछे कि बाइल पिगमेंटेशन ज्यादा किसमें होगा, इक्टेरस होगा। हेमोप्टाइसिस का मतलब क्या होता, कफ इन ब्लड, और मेलेना मीन्स ब्लैक स्टूल। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट, अस्थमेटिक पेशेंट इज गेटिंग डिस्चार्ज, अस्थमेटिक पेशेंट है गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द रेस्पायरेटरी यूनिट से, फ्रॉम द रेस्पायरेटरी यूनिट, नर्सेज हैज गिवन हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट रिगार्डिंग अस्थमा, टू द क्लाइंट रिगार्डिंग अस्थमा एंड इट्स मैनेजमेंट, एंड इट्स मैनेजमेंट। देखिएगा डियर, अस्थमेटिक पेशेंट था जो एडमिट किया गया था रेस्पायरेटरी यूनिट, और उसको क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है।
कहाँ पे रेस्पिरेटरी यूनिट से छुट्टी मिल रही है उसको, रेस्पिरेटरी से, और उसको क्या हो रही है, एजुकेशन दी जा रही है नर्स के द्वारा, क्या एजुकेशन दी जा रही है किसके रिगार्डिंग, अस्थमा के रिगार्डिंग दी है, मैनेजमेंट के बारे में। तो आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट, उसके बाद क्या होता है, नर्स आस्क द क्लाइंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन, जो नर्स के द्वारा बताया गया डियर, जो नर्स के द्वारा पेशेंट को बताया गया, क्लाइंट को बताया गया, उसे रिपीट कर रही है कि आप एक बार इसे बताएं, आप एक बार इसे बताएं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल रोल इज परफॉर्म बाय द नर्स, इज परफॉर्म बाय द नर्स, निम्नलिखित में से कौन सी रोल आपका नर्स के द्वारा निभाई जाएगी, कौन सी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके द्वारा निभाई जाएगी। ये एडवोकेट कहलाएगा डियर, एजुकेटर कहलाएगा, या एडवाइस कहलाएगा, या मैनेजर कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या कर रही है डियर, अस्थमेटिक पेशेंट एक डिस्चार्ज करने के साथ साथ वो एजुकेट कर रही है, एजुकेटर होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन इंसुलिन फॉर हर क्लाइंट, नर्स क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है किस कौन से इंजेक्शन को, इंसुलिन फॉर किसके लिए, क्लाइंट के लिए। Which among the following statement is correct? चार ऑप्शंस में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट में आएगा, टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स, या फिर ड्रॉ अप रेगुलर इंसुलिन देन एनपीएच इंसुलिन, एनपीएच का फुल फॉर्म देखे रही है न्यूट्रल प्रोटामिन हेड्रोन, देन सी में है ड्रॉ अप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, या फिर देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, और यूज टू सेपरेट सिरिंज टू एडमिनिस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, चार में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। देखिएगा ऑप्शन सी ए में जो दिया हुआ है, यहाँ पे राइट आंसर पहले देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, जो कि क्या करना है, रेगुलर इंसुलिन, ड्रॉप रेगुलर इंसुलिन और इसमें एनपीएच इंसुलिन, देन तब क्या होगा, एनपीएच इंसुलिन होगा जिसमें हम न्यूट्रल प्रोटामिन ड्रोन बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में जो दिया हुआ डियर, नॉट बी मिक्स, मिक्स इंजेक्शन जो होता है, मिक्स होता है जो रेगुलर इंसुलिन होती है और साथ में क्या होता है ये अनदर टाइप्स का इंसुलिन होता है, अनदर टाइप का। सी में जो आपको दिया हुआ डियर, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है आपका, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, ये दोनों जो होता है आपका लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग जो होता है बिल्कुल क्लियर ड्रॉ होता है, क्लियर होता है इसमें, और आपकी यूज टू सेपरेट सीरीज के एडमिनिस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, ये तो आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर इसलिए हुआ ऑप्शन बी, बी में आपको हुआ जो डियर एनपीएच, जो आपका न्यूट्रल प्रोटामिन ड्रोन जैसे बताया मैंने, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन ये चीजें है, और ये क्या करता है, इसमें दिया जाता है रेगुलर इंसुलिन और उसके बाद में आपका एनपीएस इंसुलिन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ। लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग में देख रहे हैं आपका, ये क्या होता है आपका, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग जो होता है ये क्लियर होता है, ड्रॉन ऑफ दी फर्स्ट प्रिवेंट द इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को, फर्स्ट प्रिवेंट जो शुरू में ही रोका जा सकता है, लेकिन आपका जैसे ही रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो बोटल ऑफ एक्टिंग होती है वन सेट, या फिर पीक एंड ड्यूरेशन, पीक एंड ड्यूरेशन, तो बाद में क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसमें राइट आंसर आपके क्या हुआ, ऑप्शन बी, आपको ये पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट उसके अनुसार बी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट, नर्स शालिनी इज एजुकेटिंग हर क्लाइंट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्पूटम, रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्पूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। नर्स शालिनी इज एजुकेटिंग हर क्लाइंट, एजुकेट कर रही थी क्लाइंट को रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, स्पूटम कलेक्शन के रिगार्डिंग, देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डियर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करेगा टीचिंग वॉज इफेक्टिव, टीचिंग वॉज इफेक्टिव, नर्स शालिनी अपने मुकिमल को संस्कृति और संवेदनशीलता के लिए थूक के ग्रह के बारे में शिक्षित कर रही है। So, जहां पे देखिएगा नेक्स्ट में आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है कि शिक्षण प्रभावी था। चार ऑप्शन है डियर, ऑप्शन सी में कलेक्ट स्पूटम इन वाइड ओपन माउथ स्ट्राइल कंटेनर, बी में कलेक्ट स्पूटम इन द मॉर्निंग आफ्टर रेनिजिंग विथ माउथ वॉश, सी में कलेक्ट स्पूटम इन ए प्लास्टिक कंटेनर एंड कवर इट विथ प्लास्टिक वर्क टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन, बी ऑप्शन में कलेक्ट स्पूटम एट बेड टाइम आफ्टर टेकिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग राइट पूछ कर सकते हैं, आप लोग राइट पूछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका डियर, ऑप्शन ये होगा, ए इज करेक्ट आंसर। हम स्पूटम क्या कर रहे हैं, वाइड ओपन माउथ एंड स्ट्राइल कंटेनर में, आपको कलेक्ट स्पूटम इज वाइड ओपन माउथ और स्ट्राइल कंटेनर से, स्ट्राइल कंटेनर से, या कि पूरा मुंह को खोलकर अच्छे से स्ट्राइल कंटेनर में आपको मतलब कि स्पूटम को डालना है।
हॉस्पिटल को उसमें देना है कंटेनर में। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी ए हुआ गया, ए इज करेक्ट आंसर। ये कब होता है आपका, ये ऑब्टेन किया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग अपॉन राइजिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि फूड शुड नॉट बी इंगेस्टेड फॉर 1 to 2 आवर्स प्रायर टू कलेक्शन। जब भी इसको कलेक्ट किया जाएगा स्पूटम को, उससे 1-2 घंटा पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो ये सबसे अच्छा क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट था स्पूटम का मटेरियल कॉफन था फ्रॉम द लंग्स एंड नॉट सलाइवा स्पीड। तो फोर कल्चर सेंसिटिविटी होगा, तो फोर क्या होगा कल्चर सेंसिटिविटी। तो आपको क्या करना है, 1-2 घंटा पहले ले लेना है खाने से पहले, ऐसा ना खाना खाए उसके तुरंत बाद ले लिए, नहीं ऐसा ये फिर सही नहीं होगा, इसमें सही टेस्ट नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट, क्लाइंट विद आईवी लाइन इज सिचुएशन फॉर द लास्ट 72 आवर्स, लास्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पैलर एट द साइट, दीज साइन इंडिकेट्स, दीज साइन इंडिकेट्स। देखिए आईवी लाइन वाले ग्राहक पिछले 72 घंटों से साइट पर सूजन और पीलापन की शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ये संकेत करते हैं। क्या संकेत करेगा यार, क्योंकि आईवी लाइन क्या है, ग्राहक पिछले 72 घंटों से साइट पर सूजन और पीलापन, क्योंकि क्लाइंट विद आईवी लाइन इन सिचुएशन फॉर द एटलीस्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग। आपको 72 घंटे से क्या मतलब, पिछले 72 घंटों से क्या हो रहा है उसका, क्लाइंट विद आईवी लाइन इन सिचुएशन फॉर द लास्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पैलर एट द साइट, दिस साइन इंडिकेट्स। तो आईवी लाइन वाले ग्राहक पिछले 72 घंटों से साइट पर सूजन और पीलापन की शिकायत कर रहे हैं। आपको 72 घंटे से शिकायत कर रहा, कंप्लेन कर रहा, देखिए तो ये संकेत क्या कहलाएगा, फ्लेबाइटिस, इन्फेक्शन या फिर इनफिल्ट्रेशन या फिर डिसलोकमेंट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन इसमें सी आएगा, इनफिल्ट्रेशन, सी इज करेक्ट आंसर, सी इसमें राइट होगा आपका। यहाँ पे देखा जाए फ्लेबाइटिस जो है आपका इंफ्लेमेशन होता है किसमें, आपका वेन में, वेन की वॉल की वेन में स्वेलिंग हो जाएगा, उसमें आपका टेंडरनेस भी रहेगा और आपकी अरिथमिया टाइप में रहेगा। लेकिन आपका इसमें क्वेश्चन में क्या है, स्वेलिंग पैलर एट द साइट, पिलापन हो गया, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हुआ, इनफिल्ट्रेशन हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ अ कम्युनिकेबल डिजीज, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ अ कम्युनिकेबल डिजीज while providing isolation to the client, which among the following characteristics is most important for the nurse to know? Nurse एक संचारी रोग वाले ग्राहक की देखभाल कर रही है, क्या है, संचारी रोग वाले ग्राहक की देखभाल कर रही है। क्लाइंट को आइसोलेशन प्रदान करते समय नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जानना सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी विशेषता जानना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बी में कॉजेटिव एजेंट एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, सी में इम्यून पावर ऑफ द होस्ट एंड डी में डायग्नोस्टिक मेथड अवेलेबल। डियर डायग्नोस्टिक मेथड अवेलेबल, 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी ये होगा, कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि कॉजेटिव एजेंट का मतलब क्या, हर एक डिजीज का जो भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है सबकी कहीं ना कहीं कॉजेटिव एजेंट होता है उसका। देन आपकी ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस मोड से फैल रहा है, किस मोड से फैल रहा है, ड्रॉपलेट से फैल रहा है, फिकोरल रूट से फैल रहा है, श्वासना छींकने से फैल रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी ये हुआ। और आपकी इसमें क्या है, अभी आपको ड्रॉपलेट से फैलेगा, तो सबसे ड्रॉपलेट से फैल रहा है तो आपको क्या करना होगा, मास्क लगाना होगा, उससे आप बच सकते हैं, जो खांस रहा है छींक रहा है उससे तो आपको मास्क लगाना होगा। अभी आपका क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको गॉन आपका हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सब आपको वेयर करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नर्स शीला इज केयरिंग ए पेशेंट हु हैज डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप, क्या है, फॉलिंग या स्लीप, सी इज अवेयर द फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प द पेशेंट टू फॉल अस्लीप एक्सेप्ट। देखिए डियर एक्सेप्ट में है, एक को छोड़कर, नर्स शीला एक ऐसे मरीज की देखभाल कर रही है जिसे सोने में कठिनाई होती है। डियर देखिए, अगर डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप सी इज अवेयर दैट द फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प द पेशेंट टू फॉल अस्लीप एक्सेप्ट में। डियर 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन होगा जो इसमें आएगा फॉलिंग अस्लीप में, लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें डियर क्या होगा, प्रोवाइड या वन ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर द बेड टाइम, टर्न ऑन क्वाइट म्यूजिक इन पेशेंट रूम,
प्रोवाइड बैक मैप, यहाँ पे मसाज टू द क्लाइंट, या फिर इंक्रेज शॉर्ट नैप आफ्टर लंच, शॉर्ट नैप आफ्टर लंच। यहाँ पे ये पूछा गया है कि नर्स रीला एक ऐसी मरीज की देखभाल कर रही है जिसे सोने में कठिनाई होती है, तो वह जानती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरवेंशन वो हेल्प करेगा, उसके लिए मदद करेगा किसको, सोने में कौन सा इंटरवेंशन मदद करेगा, तीन करेगा लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, एनकरेज करेगी क्या कि शॉर्ट नैप आफ्टर लंच, लंच के बाद शॉर्ट नैप होना जरूरी है, ये प्रोत्साहित करेगी, ये नहीं, ये गलत है डियर। ये ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये तीनों होगा कि हम वार्म ग्लास ऑफ मिल्क दे सकते हैं सोने से पहले, और थोड़ा बहुत म्यूजिक, स्लो म्यूजिक सुन सकते हैं इस रूम में अपने लगा कर सो सकते हैं, फिर आपका बैक मसाज कर सकते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, जल्दी ही नींद आ जाती है, जल्दी नींद क्या होती है, आ जाती है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट, विच अमंग दी फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर। स्क्रब नर्स डियर, स्क्रब नर्स जो कि कौन सी ऑपरेशन थिएटर में एक स्क्रब नर्स की जिम्मेदारी होती है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा डियर, वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, बी में असिस्ट द सर्जन इज यहाँ पे गोइंग एंड ग्लोइंग, सी में आपके पास रिसीविंग द पेशेंट, एंड डी में मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, डी में मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। स्क्रब नर्स का यही है डियर, स्क्रब नर्स, और ये ए बी सी जो है आपका सर्कुलेटिंग नर्स का है, यानी कि वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, वो क्या करेगी, कंसेंट साइन करवाएंगे, वेरीफाई कर लेगी साइन किया कि नहीं किया टेंडर। सेकेंड में आपका क्या है कि असिस्ट करेगी सर्जन इन गोइंग एंड ग्लोविंग, ग्लव्स वगैरह पहने कि नहीं उसके लिए देख रेख करेंगी, फिर उसके बाद रिसीविंग करेंगी पेशेंट को सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले। और लेकिन हमारा ये स्क्रब नर्स जो होगी डियर, स्क्रब नर्स जो होंगी ये असिस्ट करेंगी साथ में, जब सर्जरी होती है तो असिस्ट करेगी साथ में डॉक्टर के साथ, और इसको मेंटेन करके रखना होगा काउंट करके इंस्ट्रूमेंट को, जब सर्जरी होने के बाद इसको स्टराइल करने के बाद इसको क्या करना होगा, मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट सर्कुलेटरी नर्स में क्या है कि वो बिल्कुल भी वो स्टराइल में नहीं रहती है, मतलब उसको स्टराइल से मतलब नहीं है, स्टराइल वार्ड में नहीं, वो बाहर बाहर ही रहती है। सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेशन का मतलब ही होता है डियर मूव करना, ये कभी यहाँ कभी वहां, जैसे कि आपको क्या कर रही है, कंसेंट इन्फॉर्म वेरीफाई कर रही है, कभी ग्लव्स गॉन को देख रही है डॉक्टर पहने की नहीं, फिर सी में आपका पेशेंट को रिसीव कर रही है। लेकिन हमारा स्क्रब नर्स में एक ही पास, अभी सर्जरी हो रही है तब तक वो क्या करेगी, वहीं रहेंगी, सर्जरी कंप्लीट होगा देन इंस्ट्रूमेंट को वहां पे वॉश करेंगी और उसको ऑटोक्लेव वगैरह करेगी, स्टरलाइज करेगी, फिर उसको काउंट करके मेंटेन करके इंस्ट्रूमेंट को रखेंगी, तो ये आपका स्क्रब नर्स में आएगा। नेक्स्ट, नर्स जोन इज रिव्यूइंग हिज नर्सिंग केयर प्लान फॉर द असाइन क्लाइंट एंड डिसाइडेड टू रिवाइज द नर्सिंग केयर प्लान फॉर हिज क्लाइंट, इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस रिविजन टेक्स प्लेस, रिविजन टेक्स प्लेस। नर्स जॉन आइसिंग किए गए ग्राहक के लिए अपनी नर्सिंग देखभाल योजना की समीक्षा कर रही थी, क्या है, साइन क्लाइंट एंड डिसाइडेड टू रिवाइज द नर्सिंग केयर प्लान फॉर हिज क्लाइंट, यहाँ पे देन अपने ग्राहक के लिए नर्सिंग देखभाल योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में संशोधन होता है, किस चरण में संशोधन होता है, तो यहाँ पे असेसमेंट है, बी में प्लानिंग है, सी में इम्प्लीमेंटेशन है, डी में इवैल्यूएशन है, डी में इवैल्यूएशन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन इसमें डी होगा, इवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नर्स जॉन असाइन जो है असाइन नर्स जॉन इज रिव्यूइंग हिज नर्सिंग केयर प्लान, रिव्यू कर रही है वो, देन केयर प्लान असाइन क्लाइंट एंड डिसाइडेड टू रिवाइज द नर्सिंग केयर प्लान फॉर हिज क्लाइंट इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, कौन सी स्टेप होगी नर्सिंग प्रोसेस का, कौन सी स्टेप होगी डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, इवैल्यूएशन हुआ, क्या हुआ, इवैल्यूएशन हुआ। असेसमेंट में क्या होता है डियर, इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, असेसमेंट में क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। प्लानिंग का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जब भी कोई काम करना उससे पहले आपको प्रायोरिटी प्लान करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है डियर, जो भी इम्प्लीमेंट किया गया लास्ट में फाइंड आउट करके आपका, वो आपका एक्चुअल इंटरवेंशन होना चाहिए, एक्चुअल इंटरवेंशन होना चाहिए, और इवैल्यूएशन में लास्ट में आपको क्या होगा, इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या, ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट, नर्स देखिएगा, एलिस वर्किंग इन रिकवरी रूम रिसीव या क्लाइंट फॉलोइंग कोलीसिस्टेक्टोमी सर्जरी, कोलीसिस्टेक्टोमी सर्जरी, विच अमंग दी फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। रिकवरी रूम में काम करने वाले नर्स एलिस को कोलेस्टोमी सर्जरी के बाद एक क्लाइंट मिला, एक क्या मिला, क्लाइंट मिला, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग निदान तत्काल पोस्ट ऑपरेटिव अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता लेता है,
सर्वोच्च प्राथमिकता लेता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बन गया, इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन, बी में फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, या रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थेसिया, या फिर एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, या फिर एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा डियर, रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थेसिया। क्या होता है, रिस्क फॉर एस्पिरेशन के लिए रिलेटेड टू किस में, जनरल एनेस्थेसिया पड़ा है, स्पाइनल एनेस्थेसिया तो नहीं, जनरल एनेस्थेसिया में क्या होता है, रिस्क हो जाता है स्पाइरल करने का। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट आंसर। इसको सबसे जरूरी क्या होता है इस साइड में, इसमें एयरवे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको एयरवे मेंटेन करके चलना, एयरवे देखना है उसे कैसा चल रहा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, तो लाइक कीजिएगा डियर एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनका भी एग्जाम है अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर देना, एंड आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करना ना भूलें, एक बार कमेंट जरूर।